रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराई ने साहिबगंज डीएसपी प्रमोद मिश्रा के खिलाफ एसटीएससी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि डीएसपी ने उनकी पुत्री की मौत के बाद सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल किया है, जिसमें डीएसपी किसी दूसरे व्यक्ति को फोन कर उनकी मृत पुत्री को गाली गलौज कर रहे हैं। पद्मावती की ओर से दिए गए आवेदन में डीएसपी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग भी की गई है। पद्मावती ने आरोप लगाया है कि बीते 3 मई को रूपा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी, जिसे साहिबगंज पुलिस ने आत्महत्या घोषित कर दिया था। इसके बाद परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग करने लगे। इसकी जानकारी मिलने के बाद साहिबगंज डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा उन्हें लगातार धमकी देने लगे। इसका ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद आदिवासी समाज के लोगों ने एससीएसटी थाने में डीएसपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आवेदन में पद्मावती ने अविलंब कार्यवाही का आग्रह किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।